हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। और इसको तो वैसे कई तरीक़ों से बनाया जाता है। कोई इसको मतलब इस पे बेसन लगा के पत्तों को रोल करके बनाता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पत्तों को काट लिया है इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो। और पहले अच्छे से पत्तों को धो लेना है और हमें इसे काटने से कम 3 घंटे पहले इसे धोना है ताकि ये सूख जाए और इसमें पानी ना रहे, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमें पानी। तो फिर इसको काटने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है बारीक बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए लहसुन एंड हरी मिर्च, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो हमें सिर्फ इसे अच्छे से काटना है, हमें इसे ग्रेटर में ग्रेट नहीं करना है और ना ही हमें इसे मिक्सी में पीसना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे जो है प्याज और लहसुन पानी छोड़ देंगे और फिर हमें पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसलिए हमें इसे बारीक बारीक ही काटना है। और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है जीरा, साबुत जीरा, और उसके बाद अजवाइन, फिर सारे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया है मैंने इसमें, और धनिया पाउडर डाल दिया है, और जो किचन किंग मसाला होता है थोड़ा सा वो डाल दिया है, और मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है हाथ से। पहले हम इसमें बेसन डाल देंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको अच्छे से हाथों से जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं उसको मसल मसल के गूंथते हैं, तो हमें वैसे ही इसे भी अच्छे से गूंथ लेना है। तो ये देखिए मैंने इसमें कर दिया है बेसन ऐड, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले, प्याज, लहसुन वगैरह इन सब में मिक्स हो जाए। और सच में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इसकी टिकियाँ, मतलब मैं इसकी टिकियाँ बनाऊँगी, सब्जी भी नहीं, सब्जी तो हम इसको बोल ही नहीं सकते, इसकी टिकियाँ बनाऊँगी। तो हिमाचल में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पे इसको पतीड़ बोलते हैं, कहीं इसको पतरोड़े बोलते हैं, और जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इसको धिंदड़े बोलते हैं। और वैसे तो उसको बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, बट मुझे ये वाला तरीका इसका सबसे बेस्ट लगता है। ये तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाता है, मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाली है, और फिर भी देखिए ये किस तरह से मिक्स हो रहा है, किस तरह से इसका डो बन रहा है। तो बस हमें इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है हाथों से। और मुझे इसमें थोड़ी सी बेसन की क्वांटिटी कम लग रही थी क्योंकि ये पानी छोड़ रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया है। तो मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, हम इसको चाय के साथ खा सकते हैं, तो हम इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और घर का जो घी होता है ना उसके साथ तो ये बहुत ऑसम लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और दही के साथ, लस्सी के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो देखिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी और इसमें मैंने तेल डाल दिया है, और उसके बाद फिर जो मैंने ये बनाया है, डो बनाया है, इसकी मैं टिकियाँ बना लूँगी छोटी छोटी। और हमें इसकी ज़्यादा बड़ी टिकियाँ, ज़्यादा मोटी टिकियाँ नहीं बनानी है, हमें इसकी पतली टिकियाँ बनानी है, मतलब इसको अच्छे से थपथपाना है जैसे हम रोटी करते हैं, जैसे हम मक्की की रोटी करते हैं वैसे ही हमें इसे करना है, ताकि जो है इसमें तेल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, ज़्यादा मोटी बनाएंगे, तो इसमें होगा ये कि ये मतलब अंदर तक इसमें तेल नहीं जा पाएगा और ये अंदर मतलब बाहर से ही पकेंगे, अंदर से नहीं पक पाएंगे। तो इसलिए हमें इसके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी टिक्कियाँ तैयार कर ली है। तो बस तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने इसको सिम पे कर लिया है, और अब मैं इसमें एक एक करके ये टिक्कियाँ डाल दूँगी। और हाँ, ध्यान रहे कि जब भी आप गर्म तेल में कुछ चीज़ डालें तो आप इससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि फिर तेल की गर्म छीटियाँ ताकि आपके ऊपर ना आ सके, आपको कोई नुकसान ना हो सके। तो ये देखिए मैंने इसमें ये सारी टिक्कियाँ डाल दी है, और आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम ही रखें, क्योंकि उससे ये होगा कि अच्छी तरह से पक पाएंगे और
हमें इसको बार बार चेक करते रहना है ताकि ये जल ना जाए, और फिर हमें इसको साइड से चेंज करते रहना। ये देखिए इस तरीके से, जब आपको लगे कि इसकी नीचे वाली जो तेल वाली साइड है वो थोड़ी पक चुकी है, तो हम इसको दूसरी तरफ मिक्स कर लेंगे, दूसरी तरफ उठा के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हमें इसको आराम आराम से पलटना है ताकि ये टूट ना जाए। वैसे तो ये नहीं टूटते हैं, बट फिर भी हमें इसको आराम आराम से ही करना है, और हमें इसको ऐसे करते करते 3-4 बार पलटना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसमें अच्छे से तेल ऑब्जर्व हो जाए। और सच में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो बस अब ये हो चुके हैं, तो अब मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी। मैंने सिर्फ 4 ही टिक्की बनाई थी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, 2 लोगों के लिए तो ये इनफ होती हैं। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो। ये देखिए हमारे ये टिक्कियाँ बन के तैयार है, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई करके बताना कि कैसी बनी थी।